ये मैसेज है उर्फी जावेद के लिए, तो सुधर जा बेटा वरना मैं सुधार दूंगा। हाँ, एक भाई के नाते प्यार से समझा रहा हूँ, सुधर जा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से उर्फी जावेद और हिंदुस्तानी भाव के बीच आपसी स्टेटमेंट के चलते एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। जहां एक तरफ उर्फी जावेद अपने बोल्ड फैशन के चलते सुर्खियों में बनी रहती है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तानी भाव अपने बेबाक अंदाज से सोशल इश्यूज पर बोलने के लिए जाने जाते हैं। ये कुछ ही दिन पहले की बात है जहां हिंदुस्तानी भाव ने एक स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि उर्फी जावेद जिस तरह के कपड़ों के फैशन को प्रमोट कर रही है, ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है और इससे हमारी सोसाइटी में काफी गलत मैसेज जा रहा है। और साथ ही में ये हिदायत देते हुए नजर आए कि सुधर जाओ नहीं तो मैं सुधार दूंगा। ये मैसेज है उर्फी जावेद के लिए, जो आज खुद को बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर समझ रही है। बेटा, ये जो बाहर तू कपड़े पहन के घूम रही है ना फैशन के नाम पे, ये हिंदुस्तान का ना रिवाज नहीं है, ये संस्कृति नहीं है। तेरे वजह से बहुत गलत मैसेज जा रहा है बहन बेटियों तक, तो सुधर जा बेटा वरना मैं सुधार दूंगा। हाँ, एक भाई के नाते प्यार से समझा रहा हूं। इसके जवाब में उर्फी जावेद ये स्टेटमेंट देते हुए नजर आए कि मुझे हर किसी के सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं, और हिंदुस्तानी भाव की पोस्ट का रिप्लाई करते हुए ये कहा कि आप जो गालियां देते हैं वो तो जैसे भारत का रिवाज है और उससे ना जाने कितने ही लोग सुधर गए होंगे, और आप मुझे जिस तरह खुलेआम धमकियां दे रहे हैं इसके लिए मैं आपको जेल भी भेज सकती हूं, लेकिन आप तो जेल कई बार जा चुके होंगे। अगर आपको याद हो तो कुछ महीने पहले आपने मेरे फोटोग्राफर और मशीन से ये कहा था कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं और ओवैद अफरीदी के मामले में मेरी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन मैंने सीधे ही मना कर दिया था। तो तुम वीडियो, जब तक वो मेरे बारे में वीडियोस बनाए उन्होंने, मल्टीपल वीडियोस, मैंने कुछ नहीं बोला। आप वीडियो भी बना रहे हो, आप जाके इंटरव्यूज में मेरी बुराई कर रहे हो कि आपको मेरा फैशन समझ नहीं आता, पसंद नहीं है, मैं ये वो ये, तो मत बनाओ ना, इतना ही बुरा लग रहा है, तुम मत करो वो सब चीजें। एंड व्हेन आई पोस्टेड अ स्टोरी, मैंने उनको मैसेज भी किया था, उनका कोई रिप्लाई नहीं, उन्होंने सीधे जाके फिर वीडियो बना दिया। अरे टॉक टू मी ना। सेकेंडली, अगर आप मुझे अश्लील और ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हो, दैट्स डिफेमेशन, डोंट डू दैट, आई विल फाइल सम केसेस अगेंस्ट यू, डू नॉट गो अगेंस्ट द लॉ। जिसके जवाब में हिंदुस्तानी भाव ने एक पोस्ट में लाइव आकर उर्फी जावेद के फोटोग्राफर से सारी सच्चाई सामने रखवाई। मेरे को बोला था कि मैं पर्सनल उसका, उर्फी जावेद का मैं पर्सनल फोटोग्राफर है करके, मुझे बोला कि भाऊ वो आजकल बहुत डिप्रेशन में, वो टेंशन में। ये बोला क्या हो गया, बोलता है उसको कोई तकलीफ दे रहा है तो वो पुलिस स्टेशन जा रही है, मगर पुलिस वाले उसका कंप्लेंट नहीं ले रहे। अभी सुनना। जय हिंद। जय हिंद बेटा। बेटा, कुछ महीनों पहला तू इधर मेरे इधर शूटिंग के लिए आया था, बराबर है? तो फोटोग्राफर ने मेरे को क्या बोला उर्फी जावेद के बारे में? एक्चुअली फोटोग्राफर थोड़ा लेट आया था उसको शूटिंग करने, तो हमने मैंने उसको पूछा कि भाई तू क्यों लेट आया, तो उसने ऐसा बोला कि कुछ उर्फी का शूट था लेकिन कैंसिल हो गया, उर्फी कुछ टेंशन में है, कुछ उसका मैटर हुआ है, तो पुलिस वाले उसकी कोई कंप्लेन नहीं ले रहे हैं, तो वो बता रहा था कि ऐसा सा मैटर हुआ है। तो मैंने क्या बोला, तो आपने तभी हमको, मेरे को और उसको ऐसा बोला, लगा उसको फोन, अगर उसको कोई हेल्प चाहिए तो मैं करता हूँ, देखता हूँ मैं कौन उसकी कंप्लेंट नहीं ले रहा है, क्योंकि तभी वो कुछ वो कोई आफरीदी, ओफेद आफरीदी का कोई मैटर चल रहा था उसका। नहीं, वो तो मेरे को बताया नहीं उसने, वो तो ये बोला कि वो डिप्रेशन में, टेंशन में। उसने बोला था ओके नहीं है, ठीक नहीं है, वो डिप्रेशन में है, वो कुछ उसकी कोई सुन नहीं रहा है, तो बहुत टेंशन में, उसने शूट कैंसिल कर दिया है। हाँ, तो फिर आपने बोला था कि हाँ बताओ क्या, लगाओ फोन, मैं देखता हूँ क्या है, कुछ टेंशन है तो मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, बराबर है? अच्छा, गणपति में उसको मैंने बुलाया था क्या? गणपति में भाव आपने नहीं बुलाया था, लेकिन हम जो, जैसे कि आपने मुझे लिस्ट दी थी ना, जो अपन पीआर का सब सेट कर रहे थे, तभी हमने उसका नाम लिखा था गेस्ट लिस्ट में, तो मैंने उसको बोला था कि आप इन्वाइटेड हो, आप आओ। नहीं, मैंने बुलाया था क्या उसको? नहीं, नहीं, आपको आपको तो पता भी नहीं था, क्योंकि वो आई नहीं, तो फिर हमने आपको बोला ही नहीं कि वो आने वाली है क्या। बराबर। दोस्तों, अब तो वक्त ही बताएगा कि उर्फी जावेद अपने बोल्ड फैशन पर ब्रेक लगाती है या हिंदुस्तानी भाव इस झगड़े से मुंह मोड़ लेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।